गेम छो पब्लिक, कौन कहता है अच्छी चीजें फोन पे नहीं बनती। मेरा नाम है मन और आप देख रहे हैं एमडी स्क्वेयर। तो वेक्टर गॉड के पार्ट वन में आपका स्वागत है भाई। आज आपको सिखाने वाला हूँ एडोब ड्रॉ का एक एक पार्ट की आप लोग फेस के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब फेस में हम लोग कैसे डिटेलिंग करते हैं वो सिखाऊंगा, और आईज के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ। ये पार्ट वन है, पार्ट टू में आपको बहुत कुछ आने वाला है जैसे लिप्स का और ड्रेस के शेड्स का और हेयर्स के शेड का। ये तीन चीज़ बेसिकली पार्ट टू में कवर होगी। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो जिससे आपको पार्ट टू की भी लिंक फटाफट आ जाए, मतलब आपको फटाफट उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम लोग आज की वीडियो के बारे में बात करें तो हम लोगों ने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें किसी ने कमेंट किया था कि प्लीज़ मेक, मतलब किसी ने नहीं, तीन चार लोगों ने किया था, तो मैंने एक कमेंट उठा के डाल दिया था कि किस किस को चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे येस के आए थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो येस के बहुत सारे आए थे। तो मैंने कहा चलो भाई इसी टॉपिक पे अगली वीडियो बनाते हैं, और आपके सामने आ गई है वेक्टर गॉड वाली वीडियो गाइस। गॉड ट्यूटोरियल, वेक्टर गॉड ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। ये है पार्ट वन, तो भाई शुरू करते हैं आज का वेक्टर गॉड ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम ऐप की बात कर ले तो हम लोग यूज़ करते हैं एडोब ड्रॉ। एडोब ड्रॉ में सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है लेयर्स में जाके, और हमारे सोल नमन मॉडल सोल नमन माथुर के लिए हम लोगों ने एक पिक उठा लिया। तो अब सारे ब्रशेस के बारे में बता देता हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा ब्रश। पाँचों ब्रश को मैंने एक एक करके बना दिया है आपकी स्क्रीन पर, और छठा वाला है इरेजर, तो इरेजर से हम इरेज कर सकते हैं, और ऊपर छोटा सा बैक का ऑप्शन है जिससे बैक कर सकते हैं। मैं बेसिकली सेकेंड वाला ब्रश यूज़ करता हूँ। ये देखो ऊपर वाली चीज़ें साइज़ कर ले, जिसको ऊपर नीचे करके साइज़ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा जो दूसरा वाला है, सो दूसरे वाले से ओपेसिटी और तीसरे वाले से कलर पिक। तो मैंने ब्लैक कलर अभी पिक कर लिया, जैसे कि आपको दिखाया। पिक करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करके उसको स्ट्रेच करके ले जाके पिक कर सकते हो। अब लेयर पे दबाएंगे, जब हम लोग कोई भी बॉक्स पे दबाएंगे तो उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, डुप्लीकेट का है, डिलीट का है और ओपेसिटी का है। ओपेसिटी को लो हाई करके मैंने दिखा दिया। अब हम लोग ना मेन, हम लोगों ने पहली लेयर पर हम लोगों ने क्या किया, साइज़ को अपने हिसाब से डिफर करके हम लोग अभी आउटलाइन कर रहे हैं। तो आउटलाइन ना बेसिकली मैं चिन वाले पार्ट का करूँगा, और चिन वाले पार्ट के बारे में ही मैं अभी समझाने वाला हूँ कि चिन वाले पार्ट में आपको कैसे बनाना है, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो भाई फटाफट जूम करके, आपको जूम कर करके हर चीज़ बनानी है जिससे एकदम परफेक्शन आए। परफेक्शन हर बार मैं बोलता हूँ, परफेक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। जितनी अच्छी आउटलाइन होगी उतना अच्छा ही फील होगा। तो अभी मैं ना एकदम परफेक्ट वाले गॉड वेक्टर वाले लेवल के ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, तो आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि कितनी लेयर चाहिए होती है एक फेस बनाने के लिए। क्योंकि अब मैंने थोड़ा काम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में शुरू कर दिया, तो आपको भी मैं सिखाना चाहता हूँ कि डिटेलिंग कैसे डालते हैं। तो अभी तो सारा काम फिंगर से होता है, ये भी बता दो, कोई टूल यूज़ नहीं हुआ जैसे कि लोग पूछ रहे थे। और मैंने ये जो छोटे डॉट्स आ रहे हैं वो मैंने आपकी हेल्प के लिए डाल रखे, जिससे मेरी जहाँ भी उंगली चलेगी वहाँ पे वो डॉट्स दिखेंगे। अब ये आया एक ब्रह्मास्त्र, मतलब भाई ये है मेरा वेक्टर बनाने का राज। तो ये है स्किन टोन्स और लिप्स टोन के पूरे शेड्स। तो भाई ये वाला अगर आपको चाहिए ये स्किन टोन और लिप्स टोन का पूरा शेड, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल पे 40 लाइक्स करने होंगे। मतलब इस वीडियो के अगर इस वीडियो पे 40 लाइक्स आ जाते तो उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हो जाएगी इस वीडियो, मतलब इस वाले जो हमारा ये कलर पैलेट है उसके रिलेटेड। तो सबसे पहले क्या करना है ना, हम लोग चिन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग चिन में जितना भी शेड है बेसिक इतना कर देते हैं हम लोग, उतने को हम लोगों ने पूरा अच्छे से आउटलाइन किया एक नई लेयर बना के, और लॉन्ग प्रेस टू फिल है, लॉन्ग प्रेस टू फिल है। फिर से बता देता हूँ, जो भी देख रहा है उसको फिर बता देता हूँ, लॉन्ग प्रेस से फिल होगा। इस बार एकदम स्लो बता रहा हूँ मैं वीडियो, जिससे सब समझ आए। एक बार मैं पूरा वेक्टर नहीं बनाना सिखाऊंगा, अब जो मेन स्किन टोन है वो बताऊंगा। अब दूसरा वाला स्किन टोन ले लिया हमने डार्क वाला, और जहाँ जहाँ डार्क लग रहा है ना वहाँ डाल देते, मतलब मेन स्किन टोन तो हरी जगह डालना है जो मैंने आपको पहले लेके दिखाया था। बट अब जो स्किन टोन लिया वो डार्क वाली साइड लगाना है, और वो थोड़ा ज़्यादा लेवल पे लगाना है, मतलब इतना भी डार्क नहीं है ना, ये थोड़ा नॉर्मल स्किन टोन है, तो हमें उतनी डार्क जगह पे लगाना है जैसे मैंने अभी लगा दिया आपके सामने। तो भाई अच्छे से फिल कर दोगे, अच्छे से आउटलाइन कर दोगे तो भाई सही होगा। और फिल करने के लिए लॉन्ग प्रेस से फिल होता है, मैं फिर से बता देता हूँ। हमने पहली लेयर ली, अब ये दूसरी लेयर ली, अब तीसरी लेयर के लिए हम ऐड लेयर करेंगे। ये देखो थोड़ी कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है, जैसे मैं अभी स्किन ज़्यादा बनाई है तो मैं दिखा देता हूँ क्या सीन चल रहा है। ये देखो मैंने फिल कर दिया लॉन्ग प्रेस से, और यहाँ पे भी हम फिल कर देते हैं लॉन्ग प्रेस की हेल्प से। अब हम लोगों ने क्या किया है ना, अब आगे दूसरी लेयर पकड़ो,
दूसरी ये दो लेयर बन गई। अब दो लेयर स्किन के बाद हमें डार्क वाली लेयर लेनी है, मतलब डार्क कलर ले लेना है। अब हमें ऐड लेयर करनी है और बाकी दो लेयर पे डबल टैप करके उसको हम लोग छुपा सकते हैं। छुपाने के लिए डबल टैप कर दो उस लेयर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे जितना और डार्क पोर्शन है ना, जो उस डार्क के अंदर भी डार्क दिख रहा है ज़्यादा, उस डार्क वाले पोर्शन को हम लोग और डार्क वाले टोन से लेंगे, जैसा कि मैंने कलर पैलेट में दिखाया आपको। तो भाई फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको अगली वीडियो वेक्टर गॉड ट्यूटोरियल की अगली वीडियो भी फटाफट आपके स्क्रीन पे आ जाए, मतलब आपको चाहिए तो। और इस वीडियो पे अगर आप प्यार दिखाओगे तो भाई अगली वीडियो उस पर ही बनाएंगे कि सेकंड पार्ट कैसे बनाते हैं इसी चीज़ का। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। और आपको पता है अगर ये स्किन टोन्स आपको चाहिए तो 40 लाइक्स करने हैं। हम एम करते हैं आप लोग 40 लाइक्स हमारे जितना जल्दी हो सकता है कर दो, 440 यार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग ना मेन डार्क डिटेलिंग्स पे काम कर रहे हैं। तो भाई अभी अगर आप जूम आउट करके हर बार ना आप लोग जूम इन करके बनाओ, फिर जूम आउट करके देखो कि सही बन रहा है नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखो हम लोग थोड़ी कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर आर इल्यूस्ट्रेशन और वेक्टर बना रहे, तो हमें थोड़ा सा अपने हिसाब से भी अपनी एडिटिंग देनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, सारी लेयर्स हटा देंगे, अब नई लेयर बनाएंगे जिसमें और डार्क वाले लेंगे, क्योंकि हम लोगों को ना बहुत डिटेल डालने, तो लिटरली हमें कम से कम 4 से 5 स्किन टोन्स चाहिए होते हैं एक बढ़िया सा डिटेल डालने के लिए। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल्स डालनी शुरू कर दी है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और मैं ज़्यादा डार्क दिख रहा है ना, वहाँ पे जूम इन करके डार्क बना रहा हूँ। ये देखो जूम इन डार्क, और अब वापस जूम इन करके डार्क बनाएंगे। ये देखो जूम इन और जूम इन करके डार्क बनाया, और जूम आउट करके मैं देखता हूँ कि कैसा लग रहा है ये डार्क वाला पोर्शन। ये देखो जूम आउट करा, देखा और वापस जूम इन कर दिया। जितना भी मैं अभी बनाना सिखा रहा हूँ ये मेरी ओरिजिनल स्पीड है, इसमें मैंने कोई भी स्पीड चेंज नहीं करी। तो भाई ऐसा मत बोलना, बहुत तेज़ी में सिखा रहा हूँ। और अगर आपको स्टिल बहुत तेज़ लगता है तो भाई यहाँ पे हमारे पास YouTube एक बढ़िया सा ऑप्शन देता है, जिसमें आप स्पीड को कस्टमाइज़ कर सकते हो। ऊपर टॉप कॉर्नर पर सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, सेटिंग के ऑप्शन में जाकर स्पीड को स्लो कर दो या फास्ट कर दो अपने हिसाब से, जैसा कि आपको चाहिए। तो भाई पहले पूरी वीडियो ना एंड तक देखना, वरना आपको एंड में अगर आपको अभी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, कहोगे वाह बढ़िया लग रहा है, चलो भाई इतना तो मैं बना ही सकता हूँ, और आप बनाने बैठ जाओगे और बाद में कहोगे यार बना ही नहीं, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, जिससे आपको समझ आए। मेरे को पता है अभी तक तो कोई देख रहा होगा नहीं, बेसिकली जिसको डेडिकेशन होगी वही देखेगा। अब मेन लेयर हमने जो थी फेस की वो हटा दी है। अब हम लोग बात करेंगे ना अपने अगले पार्ट पे। तो हम लोगों ने स्किन टोन सीख लिए, बेसिक स्किन टोन्स कैसे लग रहे हैं हमारे सारे। अब हम लोग आइज़ के पार्ट की बात करते हैं। तो आइज़ के पार्ट के लिए हमने ब्लैक कलर की स्ट्रोक चुन लिया है। अब आइज़ के लिए हम जूम इन करेंगे, और जूम इन करके अच्छे से आउटलाइन बनाएंगे। देख लो भाई मैं स्लो में बना रहा हूँ, एकदम स्लो में बना रहा हूँ, ये मेरी ओरिजिनल स्पीड है। तो भाई यहाँ पे मैंने आइज़ के लिए यहाँ पे अच्छे से आउटलाइन कर दी, और नीचे से भी आउटलाइन कर देंगे, और कस्टमाइजेशन की हेल्प से हम लोग फिल करते जाएंगे। कस्टमाइज़ अपने हिसाब से करना होता है यहाँ पे, जो भी है यहाँ पे कोई टूल का कोई काम नहीं होता, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, और देख देख के ही काम होता है। अगर आप लोग मान लो आइज़ बड़ी है और आपने छोटी कर दी तो भी नहीं समझ आएगा, आइज़ छोटी है आपने बड़ी कर दी तो भी समझ नहीं आएगा। तो आपको देख के काम करना पड़ता है, कहीं भी गलती ना हो जाए भाई। तो अब लोग हम लोग आइज़ पे हम लोगों ने फिल कर दिया, ये देखो आइज़ की फिलिंग हो चुकी है। अब हम लोग वाइट कलर लेंगे, एकदम वाइट वाला। तो पहले हम लोगों ने आइज़ का जितना आसपास का एरिया था वो बना लिया, अब वाइट कलर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वाइट कलर ले लेते हैं हम लोग, और वाइट कलर से हम लोग आइज़ के साइड वाला पार्ट फिल कर देते हैं, ठीक है। अब फिल करने के बाद हमें क्या करना है ना, उसको ग्रे से कॉर्नर, मतलब हमें डिटेलिंग में जाना है तो ग्रे से कॉर्नर बनाएंगे आइज़ का, जिससे थोड़ा सा वो डीप लगे। आइज़ बाहर की तरफ आ रही है और साइड से डीप लगे, तो वो डीपनेस दिखाने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है वेक्टर आर्ट में भी, जिससे भाई मेहनत का काम है यार, मेहनत का काम है। इसलिए अगर जो भी बोलता है मेरे को DM में आके बोलता है यार फ्री में काम कर दो यार बहुत मेहनत लगती है, तो भाई पेड वर्क ओनली, ये मैं अभी बता रहा हूँ। तो भाई हम लोगों ने आइज़ में थोड़ी डिटेलिंग डालने लग गए। हम लोग 3 शेड्स यूज़ करेंगे, वाइट ग्रे और डार्क ग्रे, और उसके बाद 2 ब्लैक से आउटलाइन करी रखी है। आइज़ के शेड्स डालने के बाद हमें ना वाइट कलर फिर से चूज़ कर लेना है, जैसे कि मैंने किया। और वाइट कलर में हम लोगों को साइज़ कस्टमाइज़ करके उसके अंदर हमें थोड़ी सी ग्लेसिंग डालनी है। अब ग्लेसिंग क्या होता है ना, जो आइज़ के अंदर हम लोग चमक बोलते हैं, जिससे आइज़ में फील आती है, वो उसे बोलते हैं ग्लेसिंग। तो हम लोग ग्लेसिंग डाल रहे हैं धीरे धीरे, ये हम लोग नॉर्मल पेंटिंग वेंटिंग में भी करते हैं, हम लोग पानी लगाते हैं उसे ही बोलते हैं ग्लेसिंग। तो यहाँ पे तो हमारे पास थोड़ा सा 2D इफेक्ट होता है, तो हम लोग थोड़ा हाई रखते हैं, तो इसको हम लोग ग्लेसिंग बोलते हैं। तो हम ग्लेसिंग कर रहे हैं, जैसा कि आपको देख रहा है
ग्लेसिंग होने के बाद ये देखो आइस पूरी बन गई है। अब हम लोग स्किन टोन का जलवा दिखाएंगे आपको। अब हम लोग क्या करना है ना, आइस को थोड़ी बहुत जहाँ भी थोड़ी सी कजर रह जाए तो उसको थोड़ा ठीक ठाक कर देने का। और अब लोग हम जो हमने स्टार्टिंग में आपको स्किन टोन बनाना सिखाया था कि एक लेयर बाई लेयर, तो अभी मैं वो लेयर्स खोल के दिखा देता हूँ जो नीचे वाली बनाई थी। ये देखो ये लेयर थी, ये लेयर थी, ये लेयर थी और ये लेयर थी। तो ये सारी लेयर्स को हम लोगों को लेके ना आइज में बना देना, कस्टमाइज कर देना है। और अब हम लोग क्या जाएंगे, हमारी आइज वाली लेयर पे जाएंगे, उसको हम लोग ऊपर की तरफ रखेंगे। और ये सारी लेयर्स बनाने के बाद हम लोग आइज के पास का कॉर्नर करें तो आइज के पास का हमने पूरा फिल कर दिया अभी, ठीक है, सर्कल बना के फिल कर दिया। अब उसके बाद दूसरी लेयर पर जाएंगे और उसके डार्क वाले जो टोन्स हैं वो डार्क वाली जगह पर डार्क टोन्स लगाना शुरू कर देंगे। एक एक करके आपको हर एक लेयर में जाते जाते डार्क डार्क टोन्स लगाते जाने, जिससे आपको क्या लगे ना फाइनल आउटपुट अच्छा है। हमें आउटपुट से मतलब है, तो अगर फाइनल आउटपुट अच्छा आता है तो लोगों को भी हमारा काम पसंद आएगा और लोगों को पसंद आएगा तो और क्या ही चाहिए यार, पब्लिक का दिल जीतना है बस। तो भाई फटाफट हम लोग आउटलाइनिंग करके हम लोग फेल कर रहे हैं जहाँ डार्क डार्क टोन चाहिए, और मैं फटाफट वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलते रहे। और यार इस ट्यूटोरियल्स आपको भाई रोज़ डेली मिलते हैं यार, सब्सक्राइब करो यार। हम लोगों को ना 1K तक पहुँचना है और आपने 600 अभी तक नहीं कराया, पता नहीं क्यों, फटाफट 600 सब्सक्राइबर भी करा देना। तो हम लोग यहाँ पे आइज़ की डिटेलिंग डाल रहे हैं, आइज़ के कॉर्नर पे जो डिटेल्स थी वो डाल रहे हैं। और इसके बाद हम लोग जितने भी डार्क टोन्स होते हैं ना, एक एक लेयर करके हमें डार्क टोन्स निकाल लेने के हैं। तो भाई ये देखो, अब हमारी एक और लेयर थी तो हम लोग उसको भूल गए थे, स्किन वाली लेयर को हम लोग ऊपर डाल देते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो हम लोग बैक करके फिर से सेटिंग करेंगे कि क्या क्या गलती हुई है, उसे सेट कर देते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने सही डाला है ये वाला, तो हम लोगों को थोड़ी कस्टमाइजेशन की ज़रूरत होती है कि कुछ गलत ना हो जाए। और भाई ये जो डार्क लेयर है वो डार्क लेयर थोड़ी ज़्यादा हो गई है, उसको हम थोड़ा लो करेंगे और हम लोग स्किन लेयर को बढ़ा देंगे। स्किन लेयर बढ़ाई और डार्क लेयर को थोड़ा इरेज कर देंगे। ये देखो ऊपर से इरेज कर रहा हूँ मैं, यस। तो भाई इरेज कर दिया, जो जो मेन जगह चाहिए वो दे दिया मैंने। तो भाई ऐसे हमने आइस का पार्ट बना दिया है आपके लिए। और बस भाई आज के लिए तो भाई हमारा इतना ही था कि स्किन टोन्स और आइस के बारे में बताना था, और फटाफट 40 लाइक्स कर देना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, फटाफट लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अगली वीडियो कुछ बूम बाम आने वाली है तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। बाय बाय।